पैसलाबाद में खेल थे, या पूरे और और खेल चुके थे मैंने इस के काम शुरू करने, तो पे लगाने वाले सो बंद तो एसोसिएशन है उनके पास पैसे नहीं थे फंड नहीं था तो मैंने कहा दूसरी दफा में जाके आप ये नहीं बोल सकते कभी भी मैं कि ये मैं एशिया जी, में मैं लास्टीन में हार गया था प्रेशर हैंडल कर पाओगे तो आप कुछ कर सकोगे असलम खादिन हजरात मेरा नाम है मियाम होसिन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एम मौसिन पॉडकास्ट आज के जो हमारे गेस्ट है ये बहुत स्पेशल मैं कह लूँ इनको प्लेयर है ये एक शख्सियत है ये ऐसी शख्सियत है जिन्होंने पाकिस्तान में रह के लोगों का पाकिस्तानियों को नज़रिया बदल दिया कि आप अगर एक अच्छे लेवल पर कुछ करना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए तो आप कर सकते हैं तो आए वेलकम करते हैं मोहम्मद आसिफ भाई का आसिफ अमालक अल्लाम आसफाई क्या हाल चाल है जी अलहमद अल्लाह का करम आप सुनाए ठीक ठाक अलमदिल्ला ठीक ठाक कोई आपको कुछ टेंशन तो नहीं ज़्यादा नहीं कुछ नहीं नॉर्मल है <laughs> अच्छा अच्छा आसिफ भाई शुरू करते हैं आप तो, मतलब कि फैमिली मेंबर कितने फैमिली मेंबर है घर में आ, जी मैं और बाकी मेरे बहन भाई जो है वो नौ हैं चार ग्यारह यानी कि बहन भाई जो है वो नौ बहन भाई और आप कितने नंबर पे मैं सेवन पे अच्छा तो वाल साहब आपके क्या करते थे जब आपने ये काम शुरू किया मेरा असल में जो जो फैमिली बैकग्राउंड है 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 उसमें हमारा बिजनेस ना ये ये ले लेके और गला मंडी का का अजनास काम है हमारा अच्छा अच्छा आ, तो वही करते थे और ठेक, मुझे ठेक। भी उन्होंने ये हमेशा रिकमेंड अच्छा। किया और इसी चीज़ के बारे में कहा कि अपने बिजनेस में आओ लेकिन अच्छा। मुझे शौक था खेलने का अच्छा तो मैं फिर अपने शौक की तरफ आ गया अच्छा अच्छा तो आसिफ भाई आपको मतलब कि फाइनेंशियली इस तरह का कोई टेंशन नहीं थी कि आप कह के यार मैं ज़रा स्नोकर में इधर जाऊँ या मैं इस साइड पर जाऊँ क्योंकि अक्सर लोग होते हैं कि फैमिली की तरफ से बच्चे स्पोर्टिव नहीं होते और वो कुछ इस तरह में चले जाते हैं कि जी हम कुछ पैसे भी कमा लें इसमें क्योंकि मोस्टली ज़्यादातर लोग जो है जो अच्छे प्लेयर खेलते हैं वो बैटिंग में चला जाता है क्योंकि स्नोकर एक ऐसी वो गंदा उसको कह लें आप हमारे माशरे में उसको बना दिए तो एक ऐसी चीज़ में चला जाता है कि अगर आप किसी को देख लें या किसी की फैमिली को भी पता चल जाए कि बंदा स्नोकर खेलता है तो कहते हैं जो आ रही है देखिए मैं इस चीज़ पे मैं इस चीज़ से इतफ़ाक नहीं करूंगा क्योंकि उसकी उसकी वजह यह है कि इंसान ने खुद करना होता है जो भी करना है नंबर वन नंबर दो के आज से तकरीबन बारह साल पहले तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत थी हाँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के जब से मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती मैंने उसके बाद गेम का मुराल और गेम का स्टेटस जो है ना वो बहुत बदला है और इसमें हमने अपनी तरफ से बहुत एफर्ट की है बहुत कोशिश की है इस चीज़ में कि लोगों को एक अच्छा नज़रिया जो इसका बैड नजरिया है लोगों का उसको चेंज किया जाए सही एक सही। अच्छे स्नूकर पॉलर्स के हवाले से स्नूकर गेम के हवाले से तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मैं समझता हूँ कि आज स्नूकर में बहुत बेहतरी आ चुकी बल्कि समझे कि जो आप गैमली की बात कर रहे हैं तो वो मेरा ख्याल शायद नामुमकिन है कोई शायद कुछ को पाँच परसेंट लोग जो हैं वो अभी भी करते होंगे क्योंकि ये तो हर गेम में होता है ऐसा नहीं है कि नहीं होता हर जगह पे है लेकिन हमारे यहाँ चीज़ें ऐसी हैं कि कुछ चीज़ों को नॉमिनेट नौ, कर दिया जाता है ये चीजें ऐसी हैं हालांकि है। है। ऐसा होता नहीं है पहले थोड़ा सा इसका स्टेटस जो है वो चीज़ें ख़राब थी इसमें लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि हम सब ने मिल के ये एफ़र्ट किए और अल्हम्दुलिल्लाह एक आज एक अच्छे मुकाम पे शुरू कर खड़ी है अच्छा अच्छा तो आसिफ भैया आपकी एजुकेशन कितनी है जी स्पोर्ट्समैन जो है वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता ये तो हमेशा से सबकी तरफ से और मैं भी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ अंडर मैट्रिक है और हमेशा कोशिश की है कि लर्न किया है हर जगह से हर चीज़ों से खेल में भी और बाकी दुनिया के जितने भी मामला हैं उनमें भी ठीक है तो आपको पहली बार स्नोकर लेके कौन गया था यार मैं असल में बेसिकली एक स्पोर्ट्स घराने से हूँ और अच्छा। मेरे फैमिली जो है वो तकरीबन स्पोर्ट्स में है सारी अच्छा, अच्छा ज्यादा ऑलमोस्ट अच्छा। ज्यादा हमारे कजन और भाई जो है वो स्पोर्ट्स में थे अच्छा तो मैं भी स्पोर्ट्स मैन ही था मैं क्रिकेट खेलता था उसके बाद अच्छा। क्रिकेट में मेरा दोस्त है एक अब तो खैर अच्छा अच्छे लेवल पे खेला पर तो वो मुझे लेके गया था अदनान रसूल है वो चुनटीज़ भी खेला है और पाकिस्तान ए कैटेगरी में भी खेला है तो वो मुझे स्नूकर में पहले क्रिकेट में यानी कि मेरे साथ होता था तो फिर पे भी मैं उसको बीट कर रहा था बीट करता था, था तो फिर स्नूकर में लेके आया मुझे कि आज मैं यहाँ बीट करूंगा तो थोड़ा टाइम गुजरा तो मैंने उसे बीट करना शुरू कर दिया तो फिर उसने कहा कि यार तेरे से जीतना थोड़ा सा मुश्किल कहा मैं हर गेम में तुम तो, लेकिन अलहमदुल्ला के होता है कि मैं शुरू से एक स्पोर्ट्स कि मेरे अंदर थी तो मैं किसी भी गेम में गया हूँ तो अलहमदुल्ला मुझे उसमें कहा अच्छा अच्छा नौकर के लिए आप घर में क्या कह के जाते थे कि मैं किधर जा रहा हूँ घर वाले देते थे, थे, थे असल में शुरू में नहीं इजाज़त होती शुरू में सबके लिए जैसे सबके ही मुश्किल होती थी <laughs> वैसे ही मेरे लिए भी थी <laughs> और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं था घर से कोई माहौल जो है ना क्योंकि मुझे एक ही चीज़ से उनका एतराज था कि जिन में आप कुछ भी कर लो अच्छा कोई मसला नहीं है लेकिन लेट नाइट में आप स्नूकर नहीं या कहीं और नहीं आपने टाइम पे घर वापस आना है अच्छा तो स्नूकर जो है वो लेट नाइट में ज्यादा होती है भी तो भी भी फिर वहां पे आके थोड़ी सी मुझे यानी कि इश्यूज होते थे घर वालों को तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के एक पॉजिटिव चीज रही मेरे अंदर भी और इस गेम के हवाले से भी तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उनको पता चला कि नहीं यार मैं एक अच्छी स्नूकर खेलता हूँ अच्छे लेवल पे खेलता हूँ अच्छे दोस्तों के साथ अच्छे माहौल में तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी सपोर्ट मिल गई सही सही तो स्मोकर में आपको मार भी पड़ी है घर वालों की तरफ से कि अक्सर होता था कि बच्चा जाए तो ले कोट तू कार्य चला गया नहीं देखिए मैं वही बताने लगा हूँ कि मेरे जो फादर हैं वो हमेशा से इस चीज़ पे हमें डांटा जरूर है लेकिन मारा नहीं है कभी अच्छा और मुझे हमेशा इस चीज़ पर थोड़ी बहुत डांट जरूर पड़ती थी हमेशा कि आपने लेट नहीं आना लेट नाइट आओगे तो फिर मुश्किल होगी फिर आइंदा खेलने नहीं दिया जाएगा वरना उनकी तरफ से ये था कि यार काम नहीं करना आपने फैक्ट्री नहीं जाना तो कोई बात नहीं आपने खेलना है आप शौक़ पूरा करो हमारी तरफ से कुछ नहीं है लेकिन टाइम की पाबंदी ज़रूरी है क्योंकि मेरी फैमिली में तकरीबन सब भाई जो है ना वो तकरीबन अपने टाइम पे आठ बजे नौ बजे के करीब घर आ जाते थे सही, सही। तो मैं भी कोशिश करता होता था कि मैं अपना टाइम दिन का जो है ना वो स्नूकर में दे दूँ अच्छा। तो क्रिकेट दे। को कोई नहीं, फिर उस पे दिया। नहीं यार ही सुनूकर है अच्छा, तक पिछले बीस इक्कीस साल से मैं नैशनल और इंटरनेशनल माशा तो कब आपको पता चला की आप में ऐसी आप इंटरनेशनल लेवल पे या इतने प्लेटफॉर्म पे भी स्नूकर खेल सकते हैं तकरीबन मुझे कोई दो या तीन साल हुए थे तो मैं नेशनल टीम का हिस्सा बन चुका था अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह और बड़े कम अर्से में मैंने इस स्वीपर मैं में, में एक अच्छा यानी कि सिस्टम देखा तो मैं मैंने जैसे पहले बताया कि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह के किसी गेम में गया हूँ तो वहाँ पे मेरी आ, पिकिंग पावर जो है वो ज्यादा थी अल्हम्दुलिल्लाह तो मैं हर चीज़ को जल्दी पिक कर लेता था और एक नेचुरल टैलेंट होता है तो वो मुझ मुझ में में कम मुझे कम दिखा लेकिन दूसरे देखने वालों को ज्यादा नजर आया तो फिर मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि यार आप में वो पोटेंशल है आप कोशिश करो आप जा सकते हो एक अच्छे मुकाम पे जा सकते हो खेल सकते हो तो फिर मैंने भी अपनी उस तरफ तवज्जो जो है वो ज़्यादा बढ़ा दी और फिर मैंने इसको टाइम ज्यादा दिया तो आज अलहदुल्ला के अल्लाह ताला ने बहुत सारी कामयाबियों से नवाजा है तो आपका पहला टूर्नामेंट कौन सा था जो आपने खेला था आ, जी पहला टूर्नामेंट तो मैं फैसलाबाद सिटी लेवल का एक टूर्नामेंट था फैसलाबाद में अच्छा तो वो खेला वो तकरीबन मुझे एक साल हुआ था खेलते हुए तो मैं वो टूर्नामेंट जो है विन कर लिया मैंने चारा, तो चारा, उससे फिर मुझे भी लगा कि यार मैं वाकई वाकई गेम है। वाकी कुछ है यार गेम अच्छी खेलता हूं। तो उम्मीद है कि मैं आगे जाके थोड़ा बहुत परफॉर्म कर सकता हूँ तो फिर आहिस्ते आता रास्ते खुलते गए दोस्त मिलते गए और ये चीजें चलती रही सही 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 तो उस टाइम पे कोई ऐसे दोस्त भी थे जो कहते थे यार छाड़ा करिए देखिए ये हर जगह पे मैंने पहले बताया कि ये हमारे मुशरे में ये सारी चीजें हैं ऑलरेडी किसी एक चीज में नहीं है हर चीज में हर खेल में हर चीज में इन्वॉल्व नहीं नहीं कभी आपने नहीं, वो देखें बात जो शुरुआत है ना उसमें होता है कि इंसान थोड़ा बहुत यानी कि चलता है इन चीज़ों पर लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के मैं इन सब चीजों से बहुत दूर था कोशिश की है बचने की तो बचाने वाले तो अल्लाह अल्लाह की ज़्यादा है लेकिन हमने कोशिश की है ये मैं समझता हूँ इसमें आपके दोस्तों का आपका हल्का है बाप का बड़ा किरदार है आपको अगर अच्छे दोस्त और अच्छा हल्का अबाब मिल जाए तो फिर आपके लिए आसानियाँ बन जाती हैं तो ये था कि मुझे कभी इन चीज़ों की प्रॉब्लम नहीं हुई मैं हमेशा अलहमद का टूर्नामेंट जीता उसमें से कोशिश करता था कि मैं जब स्लूकर में आया ना तो मेरी एक कोशिश ये थी कि अगर मैं फैमिली को सपोर्ट नहीं कर सकता ना तो कम से कम मैं उन पर बर्डन भी नहीं मेरा किसी चीज़ का बर्डन नहीं आना चाहिए सही बात है तो मैं तब से अलहमदिल्ला आज तक अपना सेल्फ मेड ये सारी चीज़ें तो जब आप पहला टूर्नामेंट जीते उसका इनाम कितना था आ, उसका इनाम तो था, था था आज से अच्छा चल पड़ा तकरीबन समझ ले कि दो माह में या तीन माह में कोई इवेंट होता तो मैं वो दो माह में कभी इवेंट हुआ तो मैं जीत लिया अच्छा डोमेस्टिक में तो मैंने अलहमद जीतना शुरू कर दिया था उस टाइम पे फिर थोड़ा टाइम लगा मुझे नेशनल लेवल पे जीतने के लिए मुझे कोई तकरीबन आठ सात साल का अरसा लगा और जब मैं इन हुआ था तो तब हमारे लेजेंडरी प्लेयर जो हैं वो खेल रहे थे मोहम्मद अच्छा। यूसुफ थे शरम अच्छा। था साले मोहम्मद थे नवीन बहुत सारे प्लेयर इनके जो अच्छे टॉप के प्लेयर थे वो सारे खेल रहे थे वहाँ पर और मेरे लिए ये भी बड़े एजाज़ की बात थी कि मैं अपना सेकेंड नेशनल टूर्नामेंट खेला उसका मैं सेमीफाइनल खेल गया था सेकेंड टूर्नामेंट में अच्छा। तो ये बड़ा प्लस पॉइंट था मेरे लिए और मैं वहाँ पे परफॉर्म करता करता आस्ता आस्ता फिर के सिलसिला जीत का शुरू तो आपने स्नूकर खुद खेल ली थी या आपको किसी ने सिखाई थी नहीं स्नूकर में मैं जब आया था तो तब तो कोई खैर इस तरह का था नहीं आ, कोचिंग का सिलसिला भी इतना खास नहीं, नहीं। था और कोई समझाने वाला या सिखाने वाला नहीं था इतना नहीं। तो ख़ुद की फिर एक टाइम ऐसा आया कि जब थोड़ा सा गेम बेहतर हुआ तब जाके थोड़ी ज़रूरत पड़ी कि चीज़ों को समझने के लिए गेम गेम में बहुत सारी चीज़ें आ, उसमें आपकी मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो अकाउंट करती है फिर गेम की नॉलेज जो है वो बड़ी अकाउंट होती है तो उसके लिए मुझे लाहौर के यहाँ पे शाहिद लिहाज हैं अच्छा अच्छा तो उनसे मैंने टिप्स ली फिर उन, उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया तो उन्होंने मुझे जो चीज़ बताई मैंने उस चीज पे काम किया तो अल्हम्दुलिल्लाह कि उसका बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस आया मुझे हुँ, हुँ. और मैं आज भी उस गेम पे खेल रहा हूँ जो कि मेरी पहचान अल्हम्दुलिल्लाह के बनी वो चीज़ तो हमारे यहाँ पे ये होता है ना कि जिसकी कोई अच्छी गेम हो जाए ना तो लोग उसको कहते कि मुफ्त पर तो आपको भी इस तरह का रकम मिला हो कि आप मुफ्त आ गया लड़ा आ गया क्योंकि नहीं देखें मैं फिर वही ये लोगों का अपना नजरिया है उसमें चीजें किसी ने कभी आपका भी नाम उसमे आप कहते होंगे ऐसा ऐसा नहीं आपके मुंह पे कभी किसी ने कहा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं मैंने फिर वही बताया ना कि ये चीजें ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जो कि दूसरी गेम्स <laughs> हैं उनमें इस्तेमाल होते हैं पॉलिटिक्स यानी कि वो जो अपना गैमलिंग करते हैं ये उस तरह के सिलसिले में अल्फाज इस्तेमाल होते हैं अदरवाइज अगर आप टूर्नामेंट्स की हद तक महदूद कर लें अपने आप को तो उसमें ये चीजें नहीं आती उसमें लोगों का ऐसा रवैया नहीं होता हाँ ये है कि अगर आप खाली एक लीग्स वगैरह खेलें या आप कुछ आप मतलब कि अपने कम्युनिटी हर्ट के या किसी ऐसे बंदे के साथ ना गेम खेलें तो फिर वो आ जाता उस चीज़ में और इसमें ये भी था कि आप पाकिस्तान में शुरू के जो आपके साल दो साल थे उसमें सिर्फ फैसलाबाद में खेलते थे, खेल थे आप आ, नहीं शुरुआत तो शुरुआत तो फैसलाबाद से थी फैसलाबाद में दो साल तकरीबन मैं फैसलाबाद में सिर्फ खेला उसके बाद फिर जाके यहाँ पे हमारे लाहौर में ही प्रवेंशल कप होता है पंजाब कप के नाम से जी जी बिल्कुल फिर मैं वो खेला और अच्छा। उसका थोड़ा सा टाइम फर्स्ट टाइम मैं जो मैं खेला तो उसमें मैं नहीं कर पाया। अच्छा लेकिन दूसरे साल में यहाँ पे नेशनल टीम का बन गया। अच्छा और आज तक अलहमद के नेशनल टीम का हिस्सा अच्छा हूँ उसके बाद इंटरनेशनल सारे इवेंट्स जो है तो आपने आपको सबसे ज्यादा खेलने का किस एरिए लाहौर में मज़ा आया अपने फैसला में कौन से मतलब हिस्से में आपने ज्यादा सौ नौकर के इंजॉय की है कि यहाँ के लोग जो है ना प्लेयर यहाँ भी होते हैं जहाँ पर खेल दिन के साथ खेलने का मजा आता है देखिए मैं समझता हूँ कि प्लेयर हर जगह पे हैं और अगर देखा जाए तो लाहौर एक बिग सिटी है और लाहौर में ज्यादा प्लेयर्स में है, ज्यादा भी हैं ज्यादा क्लब भी हैं और ये एक मरकज है पंजाब का एक मरकज लाहौर है बिल्कुल तो बाकी शहरों में भी होता है इस तरह और हर जगह के प्लेयर्स जो हैं उनके साथ खेलने का पूरा पाकिस्तान वैसे तो अलहदुल्ला के मैं समझता हूँ कि मेरे लिए सारा एक जैसा ही है कि हर जगह पे लोग भी अच्छे प्लेयर्स भी मिलते हैं हर जगह पे Uh, मैं समझता हूँ कि जहाँ पर इंसान खड़ा है जहाँ पे जिस जगह मौजूद है ना वहाँ पे लोगों को भी इंजॉय करना चाहिए और आपको उस कम्यूनिटी को भी इंजॉय करना चाहिए तो अलहमदिल्ला अच्छा सिलसिला है से, से। तो इसके अलावा आपने पाकिस्तान में जो खेल लिया सारा कुछ जब आपने बाहर इंटरनेशनल लेवल पे जाने की कोशिश की तो उसके लिए आपने क्या किया क्योंकि उस टाइम पे तो मेरे ख्याल से इतना कोई शोर लोगों में नहीं था क्योंकि उस टाइम की जो मैंटेलिटी लोगों की वो ये थी कि उस नौकर के नाम पे ही वो कहते कि ये काम ठीक नहीं है छाड़ दो क्योंकि अगर कोई बंदा कह भी देता था, था ना कि यार मैंने का काम शुरू करना है तो सौ वाले होते थे कि यार ये ये काम है, है ही है तो इस तरह प्लस फलाना तो इसमें आपने इसको कैसे हेल्प मिली आपको इस काम देखिए बात समझें कि फिर वही है कि लोगों का अब रवैया या नजरिया जो है, है वो बदला तो नहीं जा सकता बिल्कुल ये, तो ये आपको खुद को कोशिश करनी होती है खुद को बदलने की उसके लिए अलहमद ला के मैंने कोशिश की और सारा सिलसिला हुआ तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम जो मैं इंटरनेशनल खेलने का मौका जब मिला ये 2009 की बात है मैं 2009 हज़ार अच्छा। नौ में मैं नेशनल चैम्पियन बना तो तब मुझे एशियन खेलने का मौका मिला फर्स्ट टाइम अच्छा और फिर 2012 में मैं जाके वर्ल्ड जब मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीता ना तो उस टाइम पे काफ़ी यानी कि ऐसे सरकमसा बन गए कि एक टाइम पर लग रहा था कि हम इवेंट नहीं खेलने जाएंगे अच्छा आ, उसकी वजह यह थी कि ये हमारा होता है कि आपने आ, नेशनल जीतनी है या अपने आप को नंबर वन टू पे लेके आना है तो फिर आपको आ, इंटरनेशनल खेलने का मौका मिलता है अच्छा तो मैं था तो नंबर वन लेकिन असल में इशू था कि हमारी जो एसोसिएशन है उनके पास पैसे नहीं थे फंड नहीं था उनके पास अच्छा अच्छा और अच्छा। गवर्नमेंट की तरफ से फंड मिल नहीं रहा था बिल्कुल तो काफ़ी मुश्किल था लेकिन उससे पहले एक इवेंट हुआ दुबई में एक इवेंट हुआ तो मैं वो खेला और बहुत अच्छा परफॉर्म किया उस टूर्नामेंट में मैं यानी कि समझ रहा कि हाईएस्ट सेंचुरीज़ और हाईएस्ट यानी कि सारा सिलसिला मेरा चला आ, फाइनल मैं जीत नहीं पाया लेकिन मुझे ये था कि मैं अब दोबारा मुझे मौका मिलेगा वर्ल्ड खेलने का तो ऑन द रिकॉर्ड मैंने यहाँ सवाल हुए ऐसे ही मीडिया पे मुझे कि जी आपको क्या फील है क्या फीलिंग है क्या करेंगे कैसी परफॉर्म होगी तो तब मैंने ये बड़े वसूख से यानी कि कह रहा हूँ कि मैं उन सबको बोला मैंने कहा यार देखो मैं जीतने की बात नहीं करता <laughs> क्योंकि मेरा अभी सेकंड टाइम है मैं उस टाइम सेकंड टाइम जा रहा था अच्छा। यानी कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलने के सही लिए। सही तो मैंने कहा दूसरी दफा मैं जाके आप ये नहीं बोल सकते कभी भी मैं कि ये मैं ये टूर्नामेंट जीत ही आऊँगा लेकिन मैंने कहा ये जरूर बोल सकता हूँ कि मैं इस टाइम अच्छी फॉर्म में हूँ और मैं ये टूर्नामेंट जीतूँ नहीं ना तो कम अज कम आपको मेडल जरूर मिलेगा मैं सेमीफाइनल का प्लेयर हूँ इस टाइम

तो अलहमदुल्ला के वो मेरा जो सेमीफाइनल तक कहना था वो फाइनल में बदला और फिर फाइनल जीता और पाकिस्तान 18 साल के बाद मोहम्मद यूसुफ के बाद कोई प्लेयर जाके वहाँ पे टाइटल जीता अच्छा उसका एक पॉजिटिव जो चीज नजर आई मुझे और जो लोगों को भी नजर आया कि फिर लोगों में जितने भी हमारे प्लेयर्स थे ना उनमें एक ज्यादा जज्बा बढ़ा ऐसे कि यार हमने अब खेलना है और एक अच्छे लेवल पे खेलना है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है और पाकिस्तान के लिए मेडल्स लेके आने तो ये सिलसिला जो है फिर आगे सिलसिला शुरू हुआ तो आज अलहमदिल्ला के बहुत सारे मेडल आए बहुत सारे चैम्पियन अच्छा। प्रोड्यूस किए पाकिस्तान तो जो एशिया में आप पहला खेले थे उसमें आप फाइनल किसके साथ आ, एशिया नहीं मैं फ़ाइनल नहीं खेल पाया था मैं अच्छा। एशिया में मैं लास्ट सिक्सटीन में हार गया था अच्छा क्योंकि वो मेरा फर्स्ट टूर्नामेंट था इंटरनेशनल यानी कि खेलने का एक्सपीरियंस नहीं था तो आहिस्ता आहिस्ता फिर एक्सपीरियंस भी बढ़ा फिर गेम का लेवल जो है वो भी चेंज होता रहा फिर चैम्पियन बने तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह कि उसके बाद मैंने बहुत सारे मेडल जीते तकरीबन सात गोल्ड मेडल जीते तो मैंने तो एक क्या फ़र्क क्या होता है कोई बंदा अभी डोमेस्टिक खेल के अब अगर आप पाकिस्तान में खेलने के बाद एकदम बाहर जाके इंटरनेशनल लेवल पे या एशियन या कुछ भी आप खेल रहे हो तो यहाँ के टेबलों पर और बॉल्स में और वहाँ के गेम में क्या फ़र्क पड़ता है देखें हर जगह का इन्वायरमेंट अलग से होता है टूर्नामेंट्स का वैसे ही अलग से होता है आप कमर्शल क्लब में खेलेंगे तो वहाँ का इन्वायरमेंट कुछ और है अभी <laughs> अभी जब आप यहीं पे कोई इवेंट करवाएंगे उसका इन्वायरमेंट बदल जाता है ऐसे ही है। ऐसे फिर नेशनल में फिर इंटरनेशनल में तो वो लाजमी चीजें चेंज होती हैं प्लेयर्स जो है ना वो उस माहौल में अपने आप को एडजस्ट करना जानता जानता है और बात सिर्फ वही है कि आपका अगर कॉन्फिडेंस बेहतर है कॉन्फिडेंस अच्छा है तो आप किसी भी हालात में अपने आप को उस हालात के हिसाब से अपने आप को ढाल सकते हो बस प्रेशर को आपने हैंडल हैंडल करना, है। करना सारी चीजें प्रेशर मेन चीज प्रेशर है जो प्रेशर, अगर हैंडल प्रेशर हैंडल, 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 कर हैंडल, कर हैंडल, कर पाओगे तो, तो आप कुछ कर सकोगे अदरवाइज कुछ भी कर लें तो मेरा ख्याल है कि माइक के सामने बोलना बहुत बड़ा प्रेशर है तो ये हर बंदा तो नहीं कर सकता इससे सही सही तो जब नहीं इसमें कोई ये कहते हैं ना अक्सर जो लोगों की मैंटेलिटी है जो हम मतलब के छोटे मतलब के खेलने वाले जो नए नए बच्चे इस तरह के हमारे तरह के खेलते हैं वो ये कहते हैं कि जो हम जिस टेबल पे खेल रहे हैं ये कॉपी है और जो इंटरनेशनल है उनका टेबल उनकी बॉल्स और उनका हर चीज़ ही उनकी डिफरेंट होती है कुछ इस तरह का भी सीन है बिल्कुल है बिल्कुल अच्छा है, है इसमें कोई शक नहीं है होता क्या है कि हमारा जितना भी पाकिस्तान में यहाँ पे टेबल बनता है वो कॉपी अच्छा और जो इंटरनेशनल इम्पोर्ट होके आता है तो वो ओरिजिनल टेबल है फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे सारी चीज़ें वही हैं लेकिन ये मेड इन पाकिस्तान चीज़ें वही हैं सारी अच्छा। क्योंकि आपको बॉल्स चाहिए तो बॉल आपने वहीं से खरीदने पाकिस्तान तो बनाता नहीं है, है तो वही बॉल सेट यहाँ पे आ जाता है कपड़ा भी वही आ जाता है फ़र्क सिर्फ इन्वायरमेंट का पड़ता है आपको वो इनवायरमेंट नहीं मिलता नहीं, है। नहीं मिलता आप, आप जितनी भी कोशिश कर लेते हैं ऐसा कि यार मैं अगर 19 पे खेलना मैं 20 पे चला जाऊंगा तो मुश्किल नहीं होगा शुरू में थोड़ी सी मुश्किल होगी लेकिन उसके लिए आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है ना कि जहाँ पे आपको चार मैचेस है आपको अपने को एडजस्ट करने में टाइम मिलता है तीन दिन है आपके पास आपको चार मैच मिलेंगे आप अपने को एडजस्ट कर सकते हैं उस माहौल में तो मेरा ख्याल है कोई इतना मुश्किल काम नहीं है एडजस्ट कर सकता है इंसान सही सही तो ये जो आप अभी आपके मैंने मैच देखे थे ये जो आप गए थे इधर गोरो के पास खेलने यूके में गए थे यहाँ पर आप उससे जीते थे क्या नाम है उसका मेरे स्टीफन हेडरी स्टीफन जो एक लेजेंडरी प्लेयर है जिसने अपना लोहा बनवाया पूरे दुनिया में बच्चों बच्चों सात बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है और उसको जब आपने फ्रेम से जीते तो कैसी आपके एक ख्वाहिश खुशी थी क्या जिस बात आपके उस टाइम पे देखिए जी मैं समझता हूँ कि ये बड़े एजाज़ की बात है कि किसी लेजेंडरी प्लेयर के साथ खेलना ही खेल बड़े नहीं, नहीं, की बात है।, है और जब उसको बीट करना है तो ये बड़े अजाज, डबल एजाज हो जाता है आपके पास तो अलहदुल्ला कि मैंने वहाँ पे जाके खेला उनसे चीज़ें सीखने को मिली अच्छा वो चीज़ें जो यहाँ पे देखिए मैं अगर यहाँ का सीनियर प्लेयर हूँ तो मुझे सीखने के लिए बाहर जाना पड़ेगा मुझे बाहर से चीजें मिलेंगी बिल्कुल ऐसे ही हाँ जो जूनियर है उसको मुझसे मिलेंगी मेरे जैसे दूसरे जो सीनियर प्लेयर हैं उनसे मिल सकती हैं लेकिन वो सीखने के लिए उनको लो, उनके पास यहाँ पे मुझसे ऊपर नहीं है तो जाहिर सी बात है मुझे सीखने के लिए मौका नहीं मिलेगा यहाँ पे किसी के साथ अपने से बेहतर जगह पे जाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखता है तो मेन चीज़ जो मैंने वहाँ पे देखी आ, मुझे जो फ़र्क नज़र आया वहाँ पे कि वो लोग जो हैं वो बहुत रिस्पेक्ट देते हैं प्लेयर्स को अच्छा और ये सबसे बड़ी चीज़ है हाँ कि गेम को रिस्पेक्ट देना प्लेयर को रिस्पेक्ट देना ये सबसे बड़ी चीज़ है हुँ हुँ हु। तो इसमें आप किन किस प्लेयर से मिले थे वहाँ पर जाके मैं तकरीबन ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स जो हमारे पास हैं वो सबसे मुलाकात हुई है मेरी अच्छा आ, सबसे तकरीबन ऑलमोस्ट सबसे रोनी रोनी से से सबसे मुलाकात हुई है वहाँ पे एक वो प्लेयर है जिसने जो स्नोकर का वो एक नज़रिया बदला है कि देखने वाला जब उसको देख रहा होता है ना तो ऐसे लग रहा होता है कि पता नहीं कितनी को आसान गेम है और वो इतने इजीली हैंड बॉल पोर्ट का पता चल रहा है कि यार ये इसको किसी चीज़ का प्रेशर ही नहीं है और ये स्नोकर बच्चों का खेल है लेकिन असल में सीधा बॉल जो होता है ना वो ही डालना बड़ी बात होती है देखिए बात यह है कि हर जगह पे ऐसा होता है आ, अब पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में भी यही चीज़ चलती है जो बड़ा प्लेयर है जो बड़ा नाम है उसको देखोगे तो लगेगा वाकई गेम आसान है, है अब उससे बाहर आप निकलोगे इंटरनेशनल जाओगे रोनी को खेलते हुए देखेंगे तब भी ऐसा लगेगा प्लेयरों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है ऊपर जाकर <laughs> फ़र्क सिर्फ वही है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है आप मैदान में आते हो तो आपका एट बॉडी लैंग्वेज कैसी है आपकी ये चीज़ें बड़ी आ, मैं समझता हूँ काउंट करती हैं कि अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि दूसरे प्लेयर को आपसे फ़र्क आना चाहिए कि यार नहीं यार ये जैसी इसकी बॉडी लैंग्वेज है इसकी गेम की स्ट्रेंथ भी ऐसी होगी तो ये चीज़ें बड़ी आ, मैं समझता हूँ काम आती हैं तो रॉनी एक ऐसा प्लेयर है जिसको बीट करना काफ़ी मुश्किल है वहाँ पर भी किसी के लिए भी वहाँ बीट करना उसे मुश्किल है तो जब उसको खेल के देखते हैं ना तो उससे एक चीज़ ज़रूर लेनी चाहिए कि यार कम से कम इंसान सीख सकता है सीख सके आप उससे कुछ अगर सीख सकते हैं तो वहाँ आपके लिए बहुत सारी चीजें हैं और तो आपने आपके वैसे कोई इंटरेक्शन हुई थी रोनी के साथ आपने कोई बातचीत उससे की हो गई जाहिर सी बात है वहां पे बैठते हैं तो प्लेयर लाउंज में बैठ के गपशप होती है लेकिन खैर उससे ज्यादा मुलाकात नहीं होती किसी की क्योंकि चा -चा. वो थोड़ा सा और तरह का प्लेयर है बाकी सारे जो प्लेयर्स हैं हाँ. वो सब मिलते हैं आपसे बैठते हैं आपके पास गपशप होती है सारी चीजें होती हैं लेकिन रॉनिंग एक ऐसा प्लेयर है बिजी प्लेयर कि वो बिजी बहुत है उसका कह लें कि टाइम कि उसके साथ निकालना या स्पेंड वो टाइम स्पेंड नहीं करता किसी के साथ वो अपने मैच के टाइम पे आता है मैच खेला और फौरी निकल गया वापस बाकी प्लेयर जो हैं वो गेम

तो वो आप, आपसे पूरा ही नहीं के बात करते हैं आप हर चीज़ के आपके साथ चलते हैं तो आपने ऐसे पूछा नहीं ट्रम्प से कि यारी जो एग्जीबिशन शोट्स मारते हैं ये क्या मतलब कैसे मार लेते हैं इतनी आसानी से वो ऐसे शोट मार रहा होता है और बोल कहाँ कहाँ कैसे आता है लोग जो देखने वाले हो शौकीन वो उसको बड़ा एंजॉय करते हैं उसकी उसकी वजह ये है मैं यहाँ पे आपको बता बताता हूँ कि उसकी वजह ये है कि मैं जैसे पहले कह रहा था कि वो जो इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट में उस टेबल्स पे ये चीज़ें आसानी से हो सकती हैं यहाँ पे हमारे बहुत सारी मुश्किल हैं यहाँ पे ये यह है कि अगर टेबल्स उस लेवल का कर लोगे तो फिर आपको कूलिंग का सिस्टम वैसा चाहिए अच्छा। आपको रूम का टेम्परेचर चाहिए सेम अच्छा, तो यहाँ अच्छा। पे सेम चीजें सारी चीजें जो है ना वो वो बहुत मुश्किलें यहाँ पे होती हैं और दूसरा टेबल के क्लॉथ का बहुत फर्क है वहां अच्छा। पे जो वहां पे मैचिंग में लगता है टेबल का क्लॉथ वो तकरीबन अगर उसकी कॉस्ट देखी जाए तो मेरा खर्च शायद यहाँ पे दो लाख रुपए का अच्छा <laughs> तो पाकिस्तान में हर मैच के बाद वो चेंज हो जाता है मैच नहीं नहीं हर अच्छा, हर टौर्नमें हर टूर्नामेंट 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 में में अच्छा चेंज होता है लेकिन मैच में नहीं ये होता है कि जब एक मेन इवेंट होता है वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही होती है तब जाके होता है कि वो पहले जो क्वालिफायर हैं वो एक टेबल पे यानी कि हो रहा है तो उसका क्लॉथ चेंज होगा जब मेन राउंड शुरू होगा थर्टी टू का तो वो दोबारा से चेंज कर देते हैं और फिर दोबारा सेमीफाइनल आता है तो फिर चेंज कर देते हैं वो कर सकते हैं उनको कोई इशू नहीं है क्योंकि स्पॉन्सर्स हैं और ये सारी चीज़ें हैं तो यानी कि एक वो कपड़ा वो क्लॉथ जो है वो यहाँ पे ला के आ, मैं नहीं समझता कि कोई क्लब वाला अफोर्ड कर सकता है या कोई प्लेयर क्योंकि उसकी लाइफ जो है वो तकरीबन थ्री मंथ फोर मंथ तो आ, एक साल में छः लाख रुपए के कपड़े कोई प्लेयर तो <laughs> नहीं का चेंज यहाँ पे कर सकता क्योंकि यहाँ पे उनके पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं कोई स्पॉन्सर नहीं है या कोई ऐसी अपना पैसों का सिलसिला नहीं है कि कोई जॉब हो के कोई स्पॉन्सर करे तो ऐसा कोई इदारा नहीं है कि जहाँ पे वो अपनी सारी चीज़ें पूरी कर सके यहाँ पे अभी हमारे एरिया में एक नया स्मोग क्लब खुला है काफ़ी हाई फाई ना उसकी हाइप है हमारे एरिया में तो सुनने में ये है कि मतलब कि जो उस मतलब कि उसने अच्छी खासी ना उस पर अपनी इन्वेस्टमेंट की है कोई चार पाँच करोड़ के हिसाब मतलब कि जो सुनने में आ रहा है को अच्छे लेवल में काफ़ी बनाया उसने लेकिन उसने ये किया है कि जितने भी उस एरिए में क्लब थे ना उनको उसने बंद करवा दिया उसने कहा है कि जी ऐसे जो उसे बात कर गए पुलिस वालों से कि पुलिस वालों ने कहा है उन क्लब्स को कि शाम पाँच बजे के बाद आपने क्लब नहीं खोलना इसके बारे में आप क्या कहेंगे ये मेरी समझ में नहीं आता देखिए मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ कि एक अगर बंदा यहाँ हमारा पाकिस्तान है पाकिस्तान में तो जो भी बोले ना वो हो सकता है पॉसिबल है।, है लेकिन मैं समझता हूँ कि ये दूसरों के साथ ज्याती है नंबर वन नंबर वन ज्यादा है और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए अगर आप अपना अच्छा बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आप अपने तौर पे करें लेकिन दूसरों के साथ दू, वही कह रहा हूँ ना कि दूसरों को रोकने का आप में इख्तियार नहीं होना चाहिए अगर इख्तियार है भी आपके अंदर तो आपको कम अज़ कम इंसानियत के नाते उनको ऐसा नहीं करना चाहिए आज दस दिन हो गए हैं यकीन बांधे और वो क्लब वाले सारे कोई पाँच छः दिन लोग हैं जो क्लब्स के ऑनर हैं ना वो सारे रो रहे हैं कि यार हमें पाँच बजे के बाद क्यों नहीं खोलने दे रहे वजह क्या हालाँकि मेरे ख्याल जो था कानूनी असूल भी दस बजे का है कोरोना में था वो कोविड में जी जी वो कोविड में था देखें बात वही है कि अब ये ये सारी चीजें जो है ना ये गवर्नमेंट के अंडर है और ये जो आपका लाहौर का कोई सिलसिला है, है तो उनके अंडर है ये वही सवाल का जवाब दे सकते हैं कि ये क्यों है बेसिकली ये ज्यादा अगर पांच बजे बंद हो रहा है तो वो किस टाइम कारोबार करेंगे आप, आप, आप ये, ये सारे एक्सपेंस जो है वो कैसे निकाल सकते हैं क्लब का रेंट है लड़के हैं लड़के हायर किए हुए हैं और इलेक्ट्रिसिटी का बिल है तो इतनी चीजें जो है ना वो मैनेज नहीं कर पाता बंदा दस बजे भी बंद करे ना तो किसी सूरत मैनेज नहीं कर सकता आप जितना भी कर लें क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इतनी इतनी कॉस्टली है वो वो आज के दौर में मैं समझता हूँ कि अगर वो सारी चीजें पूरी कर रहा है तो बड़ी बात है ये ये तो है इसके अलावा अभी तक जो आपने टूर्नामेंट्स पाकिस्तान में खेले हैं सबसे हाईएस्ट प्राइज उसका क्या रहा है अभी जो पाकिस्तान में खेले हैं उनमें हाईएस्ट प्राइज़ जो है वो दो लाख रुपए और अगर आप इंटरनेशनल में चले जाइए एशिया में चले जाइए एशियन चैम्पियंस लीग जो होती है एशियन एशियन जीतने पर तकरीबन तो सात सात हज़ार शायद डॉलर है शायद सात हज़ार बीस लाख के करीब करीब यानी कि अगर एशियन जीते हैं तो और ये थोड़ी सी अलग कैटेगरी है क्योंकि वर्ल्ड खेलते हैं वर्ल्ड जीते हैं तो उसमें कम है एशियन में ज्यादा है अच्छा हाँ। में कम है पैसे? में। ये दो तरह की वर्ल्ड एमिचर अलग से है और प्रोफेशनल की वर्ल्ड अलग से है अच्छा उसका तो बहुत ज्यादा प्राइज है ना वो तो पांच लाख पाउंड है अच्छा हाँ जो प्रोफेशनल का है और अगर यहाँ बात की जाए एमिचर की तो एमिचर में पांच हजार पाउंड पांच हजार डॉलर